हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉक एंड टूर। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे टाटा नेक्सॉन 2020 की। तो सीट बेल्ट बांध कर बैठिए और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नई नेक्सॉन में क्या अपडेट आपको मिलने वाला है, क्या आपको करंट नेक्सॉन लेनी चाहिए या न्यू अपकमिंग टाटा नेक्सॉन 2020 का वेट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, टाटा नेक्सॉन 2020 एक करंट नेक्सॉन का अपडेट है। इसमें बहुत सी चीजें वही रहेंगी, जैसे कि डायमेंशन, इंटरनल स्पेस एंड मोस्ट ऑफ द फीचर्स, इवन द 5-स्टार रेटिंग, सेफ्टी रेटिंग। मतलब नई नेक्सॉन में भी जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग आपको मिलेगी। नेक्सॉन की क्लास लीडिंग हैंडलिंग, राइड क्वालिटी, ये सभी की सभी जैसी की तैसी आपको मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, अब बात आ गई बदलेगा क्या। तो दोस्तों, पहला बदलाव फ्रंट लुक्स का आपको दिखने वाला है। अब आगे से देखने पे आप इस गाड़ी को बिल्कुल नहीं पहचान सकेंगे कि ये टाटा की नेक्सॉन है। अभी कुछ दिन पहले ही नेक्सॉन ईवी आपने देखी है, बहुत कुछ आपको वैसा दिखने वाला है। न्यू शार्प प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद ऑल न्यू डिज़ाइन एंड DRLs, फॉग लैम्प्स की हाउसिंग बिल्कुल नए डिज़ाइन की, कुछ नए ट्वीक्स के साथ अब आपको ये फ्रंट ग्रिल बिल्कुल चेंज होकर आगे दिखने वाली है। इसके बाद आपको एक मस्कुलर अपीलिंग फ्रंट इस गाड़ी में मिलने वाला है। दोस्तों, अगर साइड की बात करें तो साइड में सिर्फ अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, और इसके अलावा जो आउटर रियर व्यू मिरर्स हैं, इसमें कुछ माइनर चेंजेस आपको मिलने जा रहे हैं। इसकी क्लास लीडिंग ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm की क्लास लीडिंग ग्राउंड क्लियरेंस आपको वैसी की वैसी इस गाड़ी में मिलेगी। रियर पे कुछ खास बदलाव नहीं है। दोस्तों, चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ। इंटीरियर में आपको बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, सेम जैसा आपने अल्ट्रोज में देखा है। दोस्तों, अगर आपने अल्ट्रोज नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाके आप अल्ट्रोज का वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इसके जो हाफ डिजिटल 7-inch और हाफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, ये भी सेम टू सेम अल्ट्रोज वाला इसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा इस डिजिटल और एनालॉग इंफरटेनमेंट क्लस्टर में बहुत ही ज़बरदस्त नए फीचर आपको मिलने वाले हैं। कंपनी फिटेड इसमें आपको सनरूफ और क्रूज कंट्रोल, जो इसमें पहले काफ़ी कमी थी, वो अब पूरी हो गई है। और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी अब आपको नई अपकमिंग नेक्सॉन 2020 में मिलने जा रहा है, जो इससे पहले सेगमेंट में सिर्फ हुंडई की वेन्यू में मिल रहा था। ओवरऑल डैशबोर्ड पर पियानो ब्लैक कलर दिखेगा, जो काफ़ी अपीलिंग लग रहा है। इसके अलावा अब और क्या चाहिए। दोस्तों, सब कुछ तो मिल गया, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई मुराद है तो टाटा सुन रही है, जरूर पूरा करेगी। अब बारी आती है दोस्तों कि करंट नेक्सॉन लें या न्यू नेक्सॉन 2020 के लिए वेट करें। अगर आप न्यू अपडेटेड डिज़ाइन, टॉप वेरिएंट में मिलने वाले न्यू फीचर्स चाहते हैं तो बिल्कुल नई नेक्सॉन का वेट करें। अदरवाइज नेक्सॉन पहले भी एक अच्छा पैकेज था, एक रिलायबल और प्रूवन कार है, आप करंट नेक्सॉन के साथ भी जा सकते हैं। जैसे ही दोस्तों हमें कुछ और डिटेल इसकी मिलेगी, हम डायरेक्ट वो डिटेल आप तक पहुँचा देंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।